हेलो फ्रेंड्स, लुक एंड लर्न क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2, जिसका नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं, इनको डिफरेंस की फॉर्म में समझ लेते हैं। सबसे पहले एसिड, ओके। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर, आयोनाइज एंड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। अब एसिड क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको हम जब वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब आयन्स बनाते हैं। और मतलब वो कौन से आयन्स बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन्स जो है वो बनाते हैं, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ओके, मतलब जब हम किसी भी सब्सटेंसेस को वाटर में डिजोल्व करें और वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब बेस क्या होते हैं, ये गलत लिखा है ना यहाँ पे, ओके। अब बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर, आयोनाइज्ड एंड रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन्स इन सॉल्यूशंस। ओके, जो बेस होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनको जब हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। किसमें डिजोल्व कर रहे हैं, उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। ओके, मतलब आयन्स बनाते हैं। और कौन से आयन्स बनाते हैं, या तो वो हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल आयन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो सब्सटेंसेस होगा उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस क्या हुआ, ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन्स बनाते हैं। जो हाइड्रोक्सिल आयन्स होते हैं उनको OH- माइनस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं उनको H+ प्लस से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब सॉल्ट क्या होते हैं, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by the partial or complete replacement of the ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic ion or an electropositive ion। मतलब salt क्या होता है, एक compound होता है। क्या होता है, salt जो होता है वो क्या होता है, एक compound होता है। जो कैसे बनता है, कोई acid जो होता है उसकी जब hydrogen उसका atom जो होता है किससे replace होता है, मेटेलिक आयन से रिप्लेस हो सकता है या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन से क्या हो सकता है, या तो पूरी तरीके से कंप्लीटली रिप्लेसमेंट होगा उसका, या फिर पार्शियली रिप्लेसमेंट होने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। क्लियर। अब सेकंड डिफरेंस क्या होता है इनमें, जो एसिड्स होते हैं टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो बेस जो होते हैं टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, लेकिन जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्लू के अंदर। क्लियर। लेकिन सॉल्ट जो होता है नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लेकिन जो सॉल्ट जो होते हैं वो लिटमस पेपर के ऊपर उसका मतलब किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, या फिर उसमें हम अगर लिटमस पेपर को डालें तो उसके ऊपर कोई भी उसका कलर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अब इसका जो थर्ड डिफरेंस जो होता है एसिड, ओके, एसिड हैव पीएच वैल्यू हैज लेस देन 7। जो एसिड का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 7, मतलब 7 से कम होता है। लेकिन बेसिस हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, लेकिन जो बेस का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो हमेशा 7 से या 7 से हाई होता है, मतलब ज्यादा होता है। सॉल्ट्स दे हैव पीएच वैल्यू 7, और इनकी जो पीएच वैल्यू जो होती है सॉल्ट की वो कितनी होती है, 7 होती है। तो मतलब हमने इन डिफरेंस के बेस के ऊपर हम किसी भी सब्सटेंसेस को मतलब अब क्लासिफाई कर सकते हैं कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स क्या, मतलब हम इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, मतलब एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, श्योर होता है। ओके, टर्न ब्लू लिटमस रेड,
मतलब और जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर के अंदर चेंज कर देते हैं, रेड कलर के अंदर अगर चेंज कर देते हैं वो, एंड डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। और यदि हम इनको वाटर के अंदर क्या कर दें, डिजोल्व कर दें, तो वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। तो मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट क्या हो, श्योर हो, जो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर दें, रेड के अंदर कन्वर्ट कर दें, और यदि हम उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, एसिड कहते हैं। ओके, अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। आपको ये सारे केमिकल फॉर्मूले जो है वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके, और ये नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3। ये सारे जो है एसिड के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम में आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है एसिड की, तो वही एसिड्स हैव अ श्योर टेस्ट, मतलब जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, श्योर होता है। ओके, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और मतलब ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशंस जो होते हैं, यदि एसिड मतलब सपोज हमने क्या करा, HNO3 का क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो ये जो सॉल्यूशंस जो होगा HNO3 का वो क्या करेगा, मतलब कोई से भी एसिड का सॉल्यूशंस जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, वो कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब पास होने देता है अपने में से। अब इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड की, रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस, मतलब हमेशा जो एसिड्स जो होते हैं वो कौन से आयंस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, यदि हम उसको वाटर के मतलब के अंदर डिजोल्व करें तो। ओके, क्लियर। तो ये सब मतलब क्या है, एसिड के बारे में, एसिड का डेफिनेशन, एसिड के एग्जांपल्स एंड उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वो किस तरीके से क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है, कंप्लीटली होता है या फिर पार्शली आयोनाइज्ड होता है, उसके बेस पे जो एसिड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। तो आप देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एक एसिड, ठीक है, ये जो एसिड है यदि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, वाटर के अंदर जब आप उसको डिजोल्व करें तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। ओके, क्लियर। और क्या करेगा, मतलब आयोनाइज्ड होने के बाद में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्लियर। अब आपसे पूछे मतलब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एग्जांपल्स हो वो पता होने चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं वीक एसिड्स क्या होते हैं, एन एसिड विच इज पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर थस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड अ वीक एसिड। ओके, मतलब कोई एसिड जब उसको हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो पार्शली आयोनाइज्ड होता है। पार्शली आयोनाइज का मतलब सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो आयंस के अंदर डिवाइड नहीं होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कंप्लीट मतलब सबके सब आयोनाइज मतलब आयोनाइज नहीं होते हैं, तो उसको हम पार्शली आयोनाइज्ड कहते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, अगर सब मतलब सारे एसिड्स अगर मतलब अगर पार्शली आयोनाइज्ड हो रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन आयंस जो होंगे उसका क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ही मतलब क्या होगा वहां पे प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ ज्यादा मात्रा के अंदर हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और यहाँ पे कम मात्रा के अंदर हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। अब वीक एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, एसिटिक एसिड हो सकता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको पूछेंगे व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, इस तरीके से डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ सकते हैं विद एग्जाम्पल, या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। क्लियर। तो डिफरेंस के बेस पे भी हम इसको लर्न करना कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाया है
HCl कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंसीडर किया जाता है, और जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड जो है उसको हम वीक एसिड के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे ही हम इस HCl को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये जितना भी HCl हम डालेंगे तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड होके क्या बना लेगा, H+Cl-, H+Cl-, मतलब प्लस और माइनस आयंस जो होंगे वो इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl डिसोसिएटेड कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन, मतलब जो HCl है वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया है। मतलब वाटर के अंदर जब हम उसको डिसोल्व करते हैं तो इसको इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम H2CO3 को जब हम वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो कुछ H2CO3, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये H2CO3 जो है, ये H2CO3 है, वो क्या हुआ है कि मतलब आयोनाइज्ड ही नहीं हुआ है, मतलब पूरा डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, मतलब पूरा टूटा नहीं है। लेकिन कुछ H2CO3 जो है वो किसकी फॉर्म में टूट गया है, H+ और HCO3। तो इस तरह का जो आयोनाइज्ड होता है उसको हम पार्शली आयोनाइज्ड कहते हैं, और जिसके अंदर जो एसिड पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड रखते हैं। तो इस पिक्चर के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस। बेस क्या होते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेसिस जो होते हैं, बेसिस जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। ओके, मतलब टेस्ट के अंदर वो कड़वे होते हैं, हैव सोपी टच, और उनको अगर हम टच करें तो वो सोपी टच मतलब स्लिपरी होते हैं, मतलब फिसलने जिसको आप बोलते हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। एंड गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस, और मतलब यदि उनको हम एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, यदि वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो किसके अंदर डिवाइड हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। ओके, अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी किसका एग्जाम्पल है, बेस का एग्जाम्पल है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक पोटोश भी कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KOH। क्लियर। तो मतलब ये जो तीनों हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, बेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब आप देखेंगे सब में क्या है, यहाँ पे OH आयंस है, क्या है यहाँ सब में, OH आयंस है। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं, जब ये डिसोसिएट होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं हमें, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है देखते हैं, हैव अ बिटर टेस्ट। इनका जो टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। पहली प्रॉपर्टी सोपी टू टच, यदि आप उनको टच करोगे तो कैसे होते हैं, वो सोपी होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और यदि और वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस, और ये भी एसिड की जैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है मतलब उसको क्या कर देते हैं, अपने में से पास होने देते हैं। रिलीज हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यदि हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें ओके तो हमें क्या देंगे, ये हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टीज जो है आप इनको पॉइंट के बेस पे इस तरीके भी से लिख सकते हो, या इसकी फिर ये जो डेफिनेशंस है वो इस फॉर्म में भी आप उनको लिख सकते हो। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, उसके एग्जाम्पल्स और वो डेफिनेशंस पढ़ लिए है। अब जो एस बेस जो होता है उसको भी हम दो भागों में मतलब डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो ज्यादा क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको यदि हम पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो यदि वो मोर हाइड्रोक्सिल आयन्स देते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका एग्जाम्पल है NaOH। और वीक बेस क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि यदि हम जिनको पानी के अंदर डिसॉल्व करें, वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, तो यदि वो कम मात्रा के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड, जिसको CH3COOH से डिनोट करते हैं।
अब हम वीक एसिड और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो इसको इस पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं कि वैसे भी मैंने बताया कि वीक एसिड्स वो होते हैं जो कि क्या देते हैं, कम मात्रा के अंदर हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो ज्यादा मात्रा के अंदर क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन्स देते हैं। तो देख लेते हैं, फर्निशेज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे मैंने अभी बता दिया है कि मतलब यदि हम उसको किसी मतलब सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन्स जो होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का जो नंबर होगा यदि वो लेस नंबर हो, कम नंबर हो में अगर वो रिलीज होते हैं, फर्निशेज का मतलब रिलीज गिव्स ये भी बोल सकते हैं, ये होता है अगर वो हाइड्रोजन आयन कम नंबर में रिलीज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलते हैं। और जो वीक एसिड्स जो होते हैं उनका जो पीएच जो होता है वो क्या होता हैज हाइयर पीएच, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन उनका जो पीएच वैल्यू जो होता है वो हाई होता है। इस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं फर्निशेज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा नंबर में देते हैं, ओके। और इनका जो पीएच वैल्यू जो होता है वो बहुत कम होता है, इनका पीएच वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है। तो मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि वीक बेसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। तो वीक बेस मैंने अभी समझाया था डेफिनेशन की फॉर्म में, वही जो हाइड्रोक्सिल आयन्स, ये होते हैं हाइड्रोक्सिल्स आयन, ओके, ये हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन्स वीक बेस क्या होते हैं, जो कम नंबर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन्स देते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो ज्यादा नंबर के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन्स देंगे। फर्निशेज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या मतलब जो सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन्स जो होते हैं वो ज्यादा नंबर के अंदर देते हैं, कम नंबर में देते हैं, सॉरी लेस नंबर में देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। और इनका जो पीएच जो होता है वो क्या होता है, लोअर होता है किसके कंपैरेटिवली, स्ट्रॉन्ग बेस की। बस हमें इतना सा लर्न रखना है कि इसका जो पीएच जो होता है वो लो होता है, ओके। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, फर्निशेज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो मतलब ज्यादा नंबर के अंदर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन्स देते हैं। फर्निश का मतलब गिव्स, गिव्स का मतलब देना, फर्निशेस का मतलब देना, जो ज्यादा नंबर में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन्स देते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उनका जो पीएच वैल्यू जो होती है वो भी हाई होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है जब इसको किसी पानी के अंदर आपने डिजोल्व किया है तो इसके अंदर सिर्फ बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन्स हैं, ओके। लेकिन जब हम इसमें ज्यादा मात्रा में है स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, लेकिन जब हम इसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयन्स जो होते हैं, ये OH- जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन्स है, ओके। ये मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, तो उसको हम किसके किसके अंदर कंसीडर करेंगे, वीक बेस के अंदर कंसीडर करते हैं। अब जो एसिड्स जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट एसिड और दूसरा कॉन्सेंट्रेट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, यदि किसी वाटर के अंदर यदि एसिड मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, यदि अमाउंट कम हो तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, ओके। यदि किसी मतलब किसी के अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, ओके, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट एसिड। अब देखते हैं इनका डेफिनेशंस क्या होता है, कंटेन लेस नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे बोला है कि जो एसिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये एसिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका जो नंबर जो होता है यदि कम मात्रा में होता है, लेस नंबर में होते हैं, लेस नंबर में अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड। और जो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनका जो पीएच जो होता है वो ज्यादा होता है। इसी तरीके से जो कंसंट्रेट एसिड जो होते हैं उसमें क्या होता है, कंटेन मोर नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एसिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये जो है एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं उसका नंबर क्या होता है, मोर नंबर में होता है, मतलब एसिड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, और इनका जो पीएच जो होता है वो कम होता है। फर्निशेज
इसमें क्या होगा, एक बात हम दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, जो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उसमें एसिड का अमाउंट कम होगा और वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। जो कॉन्सेंट्रेट एसिड होगा उसके अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। क्लियर? इसी तरीके से जो बेस होते हैं वो भी मतलब दो तरीके से होते हैं, डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेट बेस। तो जो डाइल्यूट बेस होंगे उसके अंदर जो बेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसका नंबर्स जो होगा वो कम होगा, और जो कॉन्सेंट्रेट बेस जो होंगे उसके अंदर जो बेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसका नंबर्स जो होगा वो ज्यादा होता है। अब इनको यहाँ देख लेते हैं, कंटेन लेस नंबर ऑफ बेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने बता दिया है कि जो इनमें बेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका नंबर क्या होता है, वो कम होता है। लेकिन जो और इनका जो पीएच जो होता है डाइल्यूट बेस का वो क्या होता है, कम रहता है। इसी तरीके से जो कंसंट्रेट बेस होते हैं उसमें क्या होता है, कंटेन मोर नंबर ऑफ बेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो कंसंट्रेट बेस होते हैं उसमें जो बेस जो होता है, बेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका जो नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर घुला हुआ रहता है, उनका जो पीएच जो होता है वो हाई होता है। अब ये फिगर के अंदर आपको क्या बताया है कि ये आप देख रहे होंगे कि ये एक लिक्विड रखा हो, मतलब ये वाटर है, तो ये वाटर का जो अमाउंट जो है वो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। ओके, और इसमें आप देखेंगे कि जो वाटर का जो लेवल जो है ये यहाँ पे वो क्या होता है, कम होता है। इसी तरीके से इस फिगर में भी क्या है, वाटर का जो अमाउंट होगा वो डाइल्यूट के अंदर ज्यादा होता है, चाहे वो डाइल्यूट एसिड हो या डाइल्यूट बेस हो, दोनों के अंदर वाटर का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होता है। इसी तरीके से कंसंट्रेट एसिड हो चाहे कंसंट्रेट बेस हो, उसके अंदर क्या होगा, वाटर का जो अमाउंट जो होता है वो कम होता है। क्लियर? तो इस तरीके से वाटर के अमाउंट और एसिड और बेस के अमाउंट के ऊपर हम मतलब इसको डाइल्यूट और कंसंट्रेट के अंदर डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अभी तक हमने उसको मतलब नॉर्मल वैसे पढ़ा था, लेकिन अभी डिफरेंस को इस टेबुलर फॉर्म में लर्न करें तो हमें बहुत इजी हो जाता है कि एसिड्स और जो बेस के जो कंसेप्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाते हैं। क्लियर? मतलब जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर इन टेस्ट होते हैं वो, ओके, खट्टे होते हैं। और जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब इनका जो टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, मतलब कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू के अंदर। ठीक है? अब जो एसिड्स जो होंगे वो मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जो बेस होता है चेंजेस मिथाइल ऑरेंज टू येलो, और जो बेस जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, येलो कलर के अंदर। मतलब जो एसिड्स जो होते हैं वो तो मिथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट करते हैं रेड के अंदर, लेकिन जो बेस जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज को किसमें कन्वर्ट करता है, येलो के अंदर। क्लियर? इसी तरीके से फोर्थ डिफरेंस है, फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस। जो फिनोफ्थलीन जो होता है वो भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, जिसकी हम अच्छे से अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिटेल से। फिनोफ्थलीन रिमेन कलरलेस, फिनोफ्थलीन जो होता है वो एसिड के अंदर क्या होता रहता है, हमेशा कलरलेस रहता है। और बेस के अंदर क्या होता है, फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर, मतलब जो फिनोफ्थलीन का कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है। क्लियर? अब इसका फिफ्थ डिफरेंस है कि एसिड डू नॉट गिव सोपी टच, मतलब यदि आप एसिड को टच करेंगे तो वो सोपी टच नहीं देते, मतलब वो स्लिपरी नहीं होते हैं, लेकिन जो बेसिस जो होते हैं उनका टच कैसा होता है, सोपी होता है, मतलब वो स्लिपरी होते हैं। अब ये है एसिड्स जो होते हैं गिव हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, मतलब एसिड्स जो होते हैं यदि उनको किसी वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो वो क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन आयन्स दे देते हैं, लेकिन जो बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन इन सॉल्यूशन, हाइड्रो मतलब किसी भी वाटर के अंदर यदि आप किसी बेस को डिवाइड करेंगे मतलब डिजोल्व करेंगे तो वो क्या दे देगा, वो हाइड्रोक्सिल आयन्स दे देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन्स। तो ये हमने मतलब ये डिफरेंस को यहाँ पे मतलब टेबुलर फॉर्म के अंदर समझ लिया है।
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।